चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्वालिफायर एक अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है उनका दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्हें यह मैच जीतना बहुत जरूरी है तभी वो सत्रह पॉइंट्स तक पहुंचेंगे और अगर कहीं वो ये मैच हार जाते हैं तो शायद क्वालिफाई भी ना कर पाए ये धोनी का आखिरी मैच भी हो सकता है आईपीएल के इतिहास में और दिल्ली के अंदर तो ये उनका आखिरी मैच 100% है पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होनी चाहिए फैंटेसी 11 की टीम क्योंकि मैं आपको ऐसी टीम बताऊंगा जिसके चलते आपके ऊपर पॉइंट्स की बारिश हो जाएगी पर उससे पहले प्लेइंग इलेवन देख लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग इलेवन चेन्नई सुपर किंग्स का होगा ऋतुराज गायकौड डिवॉन कॉन अजिंक्य रहाणे अंबती रायडू शिवम दुबे मोइन अली रविंद्र जडेजा महेंद्र सिंह धोनी दीपक चहर तुषार देश पांडे महेश तीक्षण एंड एज एन इम्पैक्ट प्लेयर मथीसा पथिराना अंदर आ सकते हैं बात कर लेते हैं डेली कैपिटल्स की तो वहाँ आपको नजर आएंगे डेविड वार्नर पृथ्वी शॉ रायली रूसो फिल सॉल्ट अक्सर पटेल अमन अकीम खान यश ढल कुलदीप यादव आंद्रिक नोकिया ईशांत शर्मा खलेल अहमद ज एन इम्पैक्ट प्लेयर अंदर आ सकते हैं मुकेश कुमार अब बात कर लेते हैं कि क्या होनी चाहिए ड्रीम इलेवन यानी फैंटेसी इलेवन की टीम तो देखिए कप्तान के लिए आप चूज कीजिए डेविड वार्नर को और वाइस कप्तान के लिए डिवॉन कॉनवॉय को ये ऑस्ट्रेलिया और कीवी बल्लेबाज हैं अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं वार्नर ने भी पिछले मैच में छियालीस रन बनाए थे और इनके बैट से लगातार दो मैचों में रन आए हैं डिवॉन कॉन्वॉय ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और डेली की विकेट पे ये अच्छी बैटिंग कर सकते हैं विकेट कीपर के लिए आप चूज कीजिए सोल्ट को इनकी फॉर्म भी लाजवाब रही है ये ऊपर बैटिंग करने आएंगे डेली के लिए और विकेट कीपर के लिए दोनों रन बनाने का फिर आप चूज कीजिए अजिंक्य रहाने को इनकी फॉर्म लाजवाब रही है और डेली के मैदान में इनके रिकॉर्ड अच्छे हैं अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की तो पथिराना एक बहुत अच्छी चॉइस रह सकती है क्योंकि इनका अनऑर्थोडॉक्स एक्शन डेली की विकेट पे काफी

बचने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के, के बल्लेबाजों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी ये थी फैंटेसी इलेवन की टीम और ये टीम अगर आप बनाएंगे तो पॉइंट्स की आप पे बारिश जरूर होगी पर क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए क्रिकेट एडिक्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें